बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं और वैशाली लोकसभा के पारू क्षेत्र जाएंगे। वहां पे तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। 2023 का आगाज हुआ है लेकिन तैयारी 24 की चल रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वो लगातार इससे पहले भी बिहार दौरे पर आए थे लेकिन जदयू के जब साथ थे तब वो बिहार दौरे पर आए थे, लेकिन अब वो जदयू से अलग हो गए हैं। अब वो एनडीए तो रहेंगे ही, उनके साथ जो है रालोजपा रहेगी और वहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी उनके साथ है। लेकिन जिस तरह से वो अब बिहार दौरे पे आ रहे हैं इसको लेकर के तमाम नेता बयान देते नज़र आ रहे हैं। आज वो लोकसभा वैशाली जो लोकसभा है वहाँ पे जाएंगे और तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे और जो बिहार में 40 लोकसभा सीट है इस खास करके उनकी निगाहें इन पर टिकी रहेगी। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी अब बीजेपी की जो है बिगुल बज चुकी है, वो अब जोरों शोरों से लग चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार दौरे कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने तमाम नेताओं का बयान सुना। नीतीश कुमार भी ऐसे तो वो बिहार दौरे पे जा रहे हैं उनका, लेकिन बिहार सुधार यात्रा है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रयास में होंगे जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो जनता को एकजुट कर सके, नेता को एकजुट कर सके। लेकिन जेपी नड्डा उससे पहले आज बिहार दौरे पे हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे इन चीज़ों को लेकर के। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें जो बिहार की जो 40 सीटें हैं उस पर ध्यान उनकी टिकी रहेगी और तमाम जगह आप देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से वो वैशाली जा रहे हैं क्या लगातार उनका जो है बिहार दौरा रहता है या नहीं, या अभी जो है ये जो तैयारी है ये जो संगठन का चीज़ है उसमें क्या कुछ मंत्र देते हैं, वो क्या कुछ निकल के आएगी तो वो तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये जो दौरा है खास करके ये खास और अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खास करके वो बिहार दौरे पे आ रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले जो है जदयू बीजेपी से अलग हुई है लेकिन जिस तरह से जो 24 का चुनाव है उस पर जो है निगाहें हैं और जदयू और महागठबंधन के तमाम नेता हैं उनकी भी निगाहें होंगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और उस पर बिहार में जो 40 सीटें हैं वो उनकी निगाहें खास करके उस पर टिकी है कि 40 में से 40 सीट आएगी। लेकिन जब वो जदयू के साथ थे तो 39 सीटें जो है उन्हें मिली थी। 2014 की चुनाव की बात करें लोकसभा के उसमें भी जो है बीजेपी को बेहतर जो है सीट मिल पाई थी, लेकिन अब जो है 24 में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये आ रहे हैं इसको लेकर के क्या कुछ सियासत होती है। इससे पहले भी सियासत हो रही थी लेकिन अब क्या कुछ सियासत होने वाली है वो तो आने वाला समय में ही पता चलेगा और क्या कुछ बयान निकल के आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ, कमलेश कुमार, देशवा न्यूज पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।